प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि आज सूबा सरहद का एक पुरअमन ज़िला करक, अगरचे कि वो जनूबी अजला में ही शुमार होता है, जनूबी अजला में ही वाक़ है, लेकिन इसके आस पास इस तरह के वाक़ात होते रहे, लेकिन आज करक पहली बार एक ज़बरदस्त हमले का निशाना बना है। वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला हुआ है और अब तक की इत्तला के मुताबिक इसमें 5 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ये बात जहन में रखी जाए कि करक एक पुरअमन इलाका था और उसमें यह वाकया हुआ है। इस वाकये की तफसीलात हम जानेंगे अपने नुमाइंदे नासिर दावड़ से। जी नासिर, सबसे पहले तो इस वाकये की तफसील बताइए कि क्या हुआ है। जावेद इकबाल, आज सुबह सवेरे जो करक के मेन सिटी है, मेन सिटी में वाकया ये पुलिस स्टेशन है जिस पर एक खुदकुश हमलावर ने एक डबल केबन पिकअप की इसमें बारूदी मवाद भर के इस इमारत के अंदर ले गए हैं और उस खुदकुश हमलावर ने खुद को उस अपनी गाड़ी को ताना के बिल्कुल अंदर धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में ताने का जो इमारत है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और बड़े पैमाने पर तबाही हो चुकी है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो हलाक होने वालों की तादाद है वो 5 है। जावेद इकबाल, मैं ये बता दूं कि जिस तरह तबाही हो चुकी है उस पूरे एरिया में और जो हलाकते हैं तो ये बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग है उसकी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इस धमाके में चूंकि 5 अफराद तो मौके पर जानबाज़ हो चुके हैं और 22 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों के जो मसला था खसूसन उस हवाले से मैं बता दूं कि जो इमारत गिर गई है उस मलबे तले दबे हुए थे, यहाँ पर कोई मशीनरी वगैरह नहीं थी और जो लोग हैं और मकामी जो पुलिस है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इन लोगों को मलबे तले से बरामद कर लिया और उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल करक मुंतकिल कर दिए, जिसके लिए वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अभी 20 जख्मी को वहां पर मुंतकिल कर दिए। 20 में से 4 ऐसे जख्मियों को जिसकी हालत तश्वीशनाक थी उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कुहाट मुंतकिल कर दिए हैं और इस वक्त भी यहाँ पर बाकी जो 18 जख्मी है वो जेरे इलाज है उसी अस्पताल में। चूंकि जब देखभाल जैसा कि आपने अर्ज कर दिया कि जुनूबी अजला में करक का वाहिद पुरअमन इलाका है तो अभी तक ये पुरअमन रहा था और आज इस धमाके का निशाना बना। तो मैं बता दूं कि अगर हम देखें इसकी माहौल को, अगर हम जोग्राफी साख्ता है इसके देखें तो कुहाट और हंगो और दूसरी तरफ बनो है, तो ये तमाम वही इलाके हैं जो अस्करी पसंदी की जद में आ चुके हैं और कई सालों से इस इलाके में पुलिस या जो सरकारी लोग है या सरकारी जो तरफ से वो महफूज नहीं रहे, लेकिन फिर भी इसकी जो पुरमन रह चुका है इसकी खास वजह यह है कि यहाँ के अक्सर लोग सरकारी नौकरियों में मसरूफ हैं, एससी अहलकार ज्यादातर इन करक से ताल्लुक हैं, हसास इदारों के लोग यहाँ पर हैं। तो इस ये चूंकि जैसे कि जनूबी अजला में ही है, करक का शुमार होता है और जैसे कि हमने देखा है कि गुज़िश्ता सालों में बनू में, टांक में और उसके आसपास के इलाकों कुहाट में वाकयात होते रहे हैं दहशतगर्दी के, लेकिन करक जैसे कि आपने खुद भी बताया कि बड़ा पुरअमन ज़िला रहा है, इसकी जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बयान कीजिए कि ये इन इलाकों में होने के बावजूद यानी कि बहुत पुरअमन इलाका रहा है और ये पहला इस तरह का वाकया हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल इकबाल, यहाँ चूंकि गुज़श्ता कई सालों से इसके शिमाल और जनूब में जो वाक़े हैं कुहाट और इसके साथ जनूब में जो वाक़े हैं हंगू, यहाँ पर तो पसंदी या तलबनाइजेशन गुज़श्ता कई सालों से इस इलाके में है, लेकिन जिला करक अभी तक उससे भी महफूज नहीं, जबकि दूसरी तरफ इसके जो इलाके हैं बनों से जा मिलते हैं तो बनो भी एक वो इलाका है जहाँ 4-5 सालों से अस्करी पसंदी की लहर है, यहाँ पर अभी तक कोई इस किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। जावेद इकबाल, अगर हम देखें तो इसके जो सरहदात हैं जनूब की जानेब पंजाब से भी जा मिलते हैं, कमर मशानी और मियावाली के जो इलाके हैं उससे मिलते हैं, तो अभी तक जितना भी इलाका था ख्वा वो पंजाब से उसके बॉर्डरिंग एरिया लगते हैं या बन्नू के साथ या कुहाट या हंगू के साथ, तो तमाम के तमाम महफूज रहे और आज
चूंकि अगर हम देखें तो बंद में भी इस तरह है कि वहां पर भी ऑपरेशन भी चल रहा है, यहां पर भी अस्कर पसंदी की लहर है, यहां पर भी इनके महफूज पर नगाहें भी हैं, तो शायद यही तासुर इस तरफ भी बढ़ रहा है। अच्छा नासिर, ये बताइए कि ये जो आज पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला हुआ है, ये जो इसमें जाहिर है 5 अफराद जांबाक हो गए हैं, 20 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, क्या इस धमाके की वजह से इस पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द की जो मकानात थे, जो रिहायशी इलाके थे, वो भी मुतासर हुए हैं और उनमें भी ये अफराद जख्मी हुए हैं? बिल्कुल, वहाँ पर भी आम लोग जख्मी हो चुके हैं, मकानात गिर गए हैं और तकरीबन 5-6 मकानात मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं, और साथ जितने भी मकानात हमने देखे वहाँ पर उनका जायजा हमने लिया, तो जितने भी घर हैं, रिहायशी मकानात हैं, गरीब लोग हैं, गरीब लोग इनके साथ रहते हैं, उनके भी मकानात तकरीबन सारे क्रैक्स आए हैं जो रहने के काबिल नहीं है, और साथ एक मस्जिद भी थी जो मुकम्मल तौर पर वो भी मुनहदिम हो चुका है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है वो मस्जिद भी। तो चूंकि धमाका जोरदार था और पूरे इलाके में चूंकि उसकी वजह से खौफ की एक फिजा कायम, तमाम जितने भी लोग थे वो इस वाकये की मजम्मत करते थे। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया नासिर दावड़, आपका तफसील से हमें बता रहे थे कि आज करक में पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला हुआ है। दूसरी तरफ डेरा इस्माइल खान में भी आज अफसोसनाक वाकया हुआ है, ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स शहीद और 6 अफराद उसमें जख्मी भी हुए हैं। इस बारे में मजीद हम जानेंगे डेरा इस्माइल खान में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे असलम अवान से। जी असलम, अब बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? जावेद, इस वक्त ढक्की के इलाके में कर्फ्यू है और सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त वहां जारी है, और ये वाकया दरअसल सुबह को 10 बजे के करीब एक ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर फायरिंग हुई थी जिसके बाद कोई 8 आदमी जख्मी और 1 हलाक हो गया था। ठीक है, तो जहां बहक होने वाले इरफान नामी शख्स की जब लाश वहां उस इलाके में ले जाई गई तो उसके वरसा के साथ अहले इलाका जो है इकट्ठे हो गए, तकरीबन 2-2.5 हज़ार मुश्तइल मुजाहरीन ने वहाँ रोड ब्लॉक कर दी। रोड ब्लॉक करने के बाद मुश्तइल मुजाहरीन ने वहाँ मुखालिफ फिरका के एक मदरसे पे हमला की कोशिश की जिसमें पुलिस ने उनके रास्ते में रुकावट डाली और पुलिस के साथ मठभेड़ के बाद फिर उन पर पुलिस ने फायरिंग की, और फायरिंग के नतीजे में हमारी इत्तला के मुताबिक 2 अफराद हलाक और 12 के करीब जख्मी हो गए हैं। अब अमन अमान वहाँ पर कायम है, क्या सूरत हाल है? अमन अमान कंट्रोल में है? हाँ, अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज का गश्त वहाँ जारी है, कोई 42 के करीब अफराद उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिए हैं, और जिला इंतजामिया का कहना है कि वहाँ पर सूरत हाल पूरी तरह कंट्रोल में है और मुजाहरीन को मुंतशिर कर देंगे। बहुत शुक्रिया असलम अमान, हमें इस वाकये की तफसीलात बता रहे थे। दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि आबी ज़खायर में कमी हो गई है, मंगला में 1 फिट और तरबेला डैम में 20 फिट डेड लेवल से नीचे पानी रह गया है। बिजली की पैदावार में 1300 मेगावाट कमी के साथ लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, क्योंकि इतलात ये आई हैं कि बिजली की तलब 11451 मेगावाट है और इसकी रसद 10,080 मेगावाट है। जो पेपको की जानिब से ऐलान किया गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि शहरों में 3 घंटे की लोड शेडिंग और इसके साथ साथ देही इलाकों में 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि सदर आसिफ अली जरदारी जब क्वेटा अपने दौरे के दौरान वहां पर पहुंचे थे और उनकी आमद की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था और वहां पर रिक्शे में एक बच्चे की विलादत हुई थी, तो सदर ने 5 लाख के इनाम का ऐलान किया था इस बच्चे के लिए और माजरत का भी इजहार किया था। आज हुकूमत की जानिब से और सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये 5 लाख रुपये इस बच्चे तक नकद कैश की सूरत में पहुँचा दिए गए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।